हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज जरूर एक और न्यू ब्रांड वीडियो के साथ, आज की इस वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़बरदस्त। और आज हम खेलेंगे द लास्ट ऑफ अस। आज की जो इसकी स्टोरी है, आज से हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर जो भाई नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सकें। और स्टोरी शुरू करने से पहले आपको यह भी बताते चलूँ कि हमारे चैनल पर अगर आपने इस वीडियो पर 10 लाइक कर आ गए तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, नहीं तो मतलब सिंपली जैसे पहले गेम प्ले बना रहा था वैसे ही बनाऊंगा। तो अभी हमारी गेम प्ले शुरू हो चुकी है, अभी 12 बज चुके हैं और हमारा जो मेन करेक्टर है इसका बर्थडे है और इसकी जो बेटी है इसको गिफ्ट, बेटी का नाम है लारा, इसको एक गिफ्ट दे रही है। देखते हैं कि वो कौन सा गिफ्ट होगा। और इसके अंदर अभी मेरा ख्याल में वॉच है, हाँ ये वॉच ही है, मतलब एक घड़ी गिफ्ट किया है और काफ़ी ज़बरदस्त घड़ी है। इसका वालिद थोड़ा परेशान परेशान लग रहा है, शायद मतलब इसको जो होने वाली सिचुएशन है उसके बारे में पता चल चुका है कि आगे क्या हो रहा है, या मतलब बाहर के माहौल क्या चल रहे हैं। और ये अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है, उसकी बेटी इसके साथ खेल रही है और ये काफ़ी मज़े में लग रहे हैं। उसके बाद जो गेम का आगे सीन होने वाला है वो बहुत ही बुरा है। अभी मतलब देखते हैं कि आगे हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको स्टोरी भी दिखाऊंगा, बताऊंगा भी साथ में। तो इसकी बेटी यहाँ पर सो चुकी है सम टाइम के बाद, अभी ये इसको बेडरूम में छोड़ने जाएगा। वैसे आपको बताते चलूँ कि इस गेम के अंदर जो है एक जो यहाँ पर इनकी जो स्टोरी है, मतलब इधर एक वायरस फैल चुका है जिससे लोग ज़ोंबी बन रहे हैं। तो वायरस हवा में भी फैल रहा है और लोगों से भी मतलब एक दूसरे को लग रहा है। और एक और बात के मतलब वो वायरस जिस बंदे को लगता है उसके 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में मतलब वो हल्का सा ज़ोंबी होता है, दूसरे स्टेप में दरमियाना सा, और तीसरे स्टेप में वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक किस्म का ज़ोंबी बन जाता है। तो अब हमारा जो है करेक्टर मतलब वो इस अपनी बेटी को छोड़ के गया है, तो मतलब इसको कोई कॉल आ गया और लगता है इमरजेंसी कॉल है, कोई ये है परेशान हो रखी है। अभी कॉल भी कट चुकी है, पता नहीं उसने क्या बोला है, लेकिन बाहर चल के सीन देखते हैं कि क्या सीन हो रखा है। इसकी बेटी के करेक्टर में हम आ चुके हैं, शायद आगे जाके हमें कोई दूसरा करेक्टर मिले। तो ये अभी अभी बेचारी नींद से उठी है, अभी रात हो चुकी है लेकिन नींद से उठी है, बस इसको अभी परेशान कर रखा है। तो यहाँ पर एक बुक पड़ी थी, बुक में देखते हैं मतलब छोड़ो पढ़ते नहीं है, हम अपने सीधी गेम प्ले की तरफ चलते हैं। हमें नेक्स्ट क्या क्या बाहर की सिचुएशन हमने हैंडल करनी है वो देखते हैं। वो क्या मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सीन हो रखा होगा बाद में, अभी तो गेम की शुरुआत है, अभी इससे ये पता चलेगा कि क्या सीन हो रखा है नीचे। अभी सीधा नीचे चलते हैं, नीचे जाते हैं, डैडी को आवाज़ें तो दे रही है लेकिन पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर बाहर पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं और मतलब यार ये क्या सीन है। तो यहाँ पर एक कॉल आ रखी है, वो फ़ोन पिकअप करते हैं हम, ये शायद इसके फादर की कॉल होगी। अच्छा, 2 मिस कॉल थी इसके भाई की, टॉमी की। मुझे अभी तक अपने करेक्टर का नाम नहीं पता चल रहा, इसका नाम देखना है क्या है। चलें कोई बात नहीं, इसका नाम तो पता है, इस लड़की का नाम तो लारा है और ना उसके चाचू का नाम टॉमी है, उसकी कॉल्स आ रखी थी। अभी हम आगे चल के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं घर को और क्या सीन हो रखा है। अभी इसके वालिद बहुत ही जल्दी में अंदर आए हैं और ये बहुत ही परेशान लग रहे हैं, लगता है कोई बुरा होने वाला है। और ये अपनी पिस्टल निकाल रहा है, ये पिस्तौल निकाल रहा है अपनी, इसको रिलोड कर रहा है अपनी गन दे के। अभी बाहर के सीन क्या हो रखे हैं मुझे तो यही नहीं समझ आ रही, मतलब पुलिस की गाड़ियां और ये वो, आगे पीछे कोई समझाएगा क्या हो रखा है। अबे ये क्या था यार, अबे यार ये इनका जो सिक्योरिटी गार्ड था वही ज़ोंबी बन चुका है, जिमी नाम है। अबे यार ये कितने खतरनाक वाले ज़ोंबी बन चुका है। अबे यार ये तो वायरस पूरा फैल चुका है पूरी सिटी के अंदर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम यहाँ से बच कर भागने की पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे।
समझा रहा है कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगा, मैं हूँ। तो इसको अभी ये लेकर भाग रहा है, अभी इसको लेकर जाएगा सेफ जगह पे। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। तो बाहर बाहर इसका भाई भी आ चुका है, ये टॉमी भी आ चुका है यहाँ पर, और कार के अंदर बैठ जाते हैं। लगता है ये सिटी छोड़नी पड़ेगी हमको, क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो चुका है और इस सिटी से हम भागने में ही बलाही है। अबे यार बहुत ही बुरा सीन हो रखा है, मतलब पूरी सिटी में लगता है ये बीमारी फैल चुकी है, और ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ से जल्द जल्द निकले, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। तो फटाफट से अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम जाएंगे। और ये देखो रास्ते में लोगों की और भी गाड़ी शाड़ियाँ ठहरी हुई हैं, सब लोग यहाँ से शहर छोड़ कर भाग रहे हैं, सब लोग बिल्कुल यहाँ से शहर खाली कर रहे हैं, क्योंकि इस शहर में बहुत ही ज़ॉम्बीज़ का अटैक बढ़ता। अभी हम जल्दी से मतलब निकल जाएं। ये पुलिस की गाड़ी अभी इधर उधर भाग रही हैं, मतलब एमरजेंसी लग चुकी है पूरे शहर के अंदर। तो यहाँ पर अभी रात का सीन हो रखा है, क्योंकि रात के अंदर ही मतलब अटैक शुरू हो गए थे, और यहाँ से अब हम निकलेंगे। तो अबे भाई साहब वो सामने देखो, एक मतलब जल्दी में किसी ने गाड़ी खंभे के साथ ठोक दी है, बेचारे तो वैसे ही मारे जा चुके हैं। अब हम खुद मतलब आराम से, टॉमी आराम से गाड़ी चलाना, ये ना हो कि हमारा भी यही हाल कर दो। अबे भाई साहब वो देखो सामने घर को भी आग लग चुकी है, मतलब यार तबाही मचना शुरू हो चुकी है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होगा। अभी बहुत ही बुरा सीन हो रखा है भाई, हर किधर तबाही मचने वाली है, मुझे तो अभी से मतलब डर लग रहा है यार। अभी तो फिलहाल हमारा रास्ता क्लियर है, आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल तो रास्ता शास्ता मतलब इतना वो नहीं है। यहाँ पर एक फैमिली है छोटी सी, ये रुकने का कह रहे थे, लेकिन टॉमी का भाई है वो कह रहे थे, वो इसको मना कर रहा था कि नहीं तुम गाड़ी चलाना जारी रखो, क्योंकि हम कोई भी रिस्क ले नहीं सकते, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन चुकी है, बहुत ही सीरियस माहौल है, इसलिए हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बस ये अपनी बेटी को किसी न किसी तरीके से बचाना चाहता है। और एम्बुलेंस वहाँ पर जा रही है, शायद वो उनको बचा ले। बाकी भाई साहब ये क्या यार, पूरा रोड जाम हो रखा है यार, मतलब इतनी रश है कि शहर भरा हुआ है, अभी खाली कैसे होगा हर बंदा। अब यार ये क्या, ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया यहाँ पे भी, अभी यहाँ से फटाफट हमने निकलना पड़ेगा। अबे गाड़ी मोड़ो यार, टॉमी क्या कर रहे हो? अबे यार ज़ॉम्बी का अटैक बढ़ चुका है बिल्कुल। अबे यार और लोग भाग कर आ रहे हैं, तो ये कह रहा है वापस मुड़ो कि नहीं, ये कह रहा है वापस मुड़ो, लेकिन ये कह रहा है नहीं मैं यहाँ से निकाल लूंगा। अबे भाई साहब लोग इधर उधर भाग रहे हैं बहुत ही। अबे नहीं यार यहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो चुका है यार, शिट। अबे लारा को होश आ चुका है, और इसके जो डैड हैं वो बेहोश हैं, अभी ये भी होश में आ जाएंगे, अभी ये भी होश में आ चुके हैं। अबे यार एक तो मतलब आसमान से गिरे खजूर में अटके, सॉरी वो बात हो चुकी है। तो यहाँ पर जल्दी से शीशे तोड़ निकलने की कोशिश करेंगे, बाहर निकलेंगे, देखेंगे क्या सीन होगा। भाई साहब कैसे बचेंगे हम यहाँ से, कैसे बाहर निकलेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। बाकी टाइम है और काफ़ी मतलब डेंजरस सिचुएशन है, ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है। अबे नहीं यार, अबे तेरी, ये टॉमी गुड गुड, टॉमी बहुत ज़बरदस्त बंदा है यार, इतने ख़तरों में भी हमारा साथ दे रहा है, नाइस टॉमी, आई प्राउड ऑफ यू। उसकी बेटी को थोड़ी बहुत मोचे आई हैं, ये चल नहीं सकती अभी, शायद इसको उठा के लेना लेके जाना पड़ेगा। तो लारा के फादर ने इसको टॉमी को अपनी गन दे दिया है, और यहाँ पर हम जल्दी से निकलते हैं, भागते हैं यहाँ से। अब यार और देखो ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी है, बच के भागना पड़ेगा, किधर भागे सामने भाई साहब। अब यार पूरा पेट्रोल पंप हो चुका है यार, किधर जाए, शायद इधर जाते हैं, इस साइड जाते हैं, इस साइड।
अबे यार इधर से निकलना है बस, शहर खाली करना है, किसी जरिए से निकलना है यहाँ से। ज़्यादा हो चुके हैं, अब देख किधर से जाएं। ज़ॉम्बी से अटैक बढ़ रहा है और ज़ॉम्बी साथ साथ ही रहना। तेरे पास गन है, तू कुछ कर लेगा। हर जगह पे यार ये ज़ॉम्बी भी आ चुके हैं और लोग भी, मतलब लोगों से भागा भी नहीं जा रहा, हर जगह रश कर रहे हैं। अबे यार नहीं, शायद इधर जाना, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ टॉमी, इधर से आओ, इधर से जाते हैं, इधर से जल्दी करो यार, जल्दी करो, बहुत ही खतरनाक सीन है भाई साहब। अबे नहीं यार, तेरी ऐसी की तैसी, टॉमी गोल्ड यार टाइम पे आ जाए करो, अभी तो मैं मरने वाला था, बाल बाल बचा हूँ यार। अब तो भाई साहब ये देखो, ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी आ चुके हैं, अबे ऊपर से आ रहे हैं भाई। आप लोग जाओ, मैं उनको देखता हूँ, अपनी जान रिस्क में ले रहा है और हमें भागने का कह रहा है, तो आप हम यहाँ से भागते हैं। अबे नहीं यार, तुम इस साइड से जाओ, साइड से। अबे भाई साहब अभी तो हर जगह ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी हो चुके हैं यार, कैसे भागे हैं इसकी बेटी को, एक तो मौत भी आ चुकी है। अबे यहाँ से भागना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। अबे भाई साहब नहीं नहीं नहीं, तेरी ऐसी की तैसी नहीं यार। ये कौन फरिश्ता आ चुका है यार हमें बचाने के लिए यार, ये कौन आ गया है? ओए हो, चलो शुक्र है अभी मिलिट्री वाला कोई एक बंदा आ चुका है। हम पर ही गुस्सा हो रहा है भाई साहब, एक तो आ गया, हम बाल बाल बच के आ रहे हैं, ऊपर से ही हम पर ही गुस्सा हो रखा है। Eddie, what about Uncle Tommy? अबे इसके पीछे से कमांड आ रही है कुछ। Sir, there's a little girl. But ये उसको बता रहे हैं कि इसके साथ एक छोटी बच्ची भी है, क्या करूं? अबे नहीं यार, इसको शूट करने के ऑर्डर मिल चुके हैं, ये कह रहा है इनको पीछे से, इसको ऑर्डर आया है कि इसको शूट कर दो। अबे यार बच चुके हैं ओले। अबे यार टॉमी, थैंक यू टॉमी यार, तुम हर वक्त टाइम पे आ जाते हो। अबे नहीं यार, ये सारा को गोली लग चुकी है यार। शिट यार, बहुत ही इमोशनल सीन हो रखा है भाई साहब, बहुत ही इमोशनल सीन हो रखा है यार, खुद रोना आ रहा है। अबे इतनी रियलिटी बनाते हैं गेम में आजकल की भाई साहब। अभी क्या किया जाए, हॉस्पिटल भी नहीं। अब शिट यार, ये मर चुकी है यार लारा भाई साहब, बहुत ही इमोशनल सीन हो रखा है यार। भाई साहब मतलब इसकी घड़ी भी टूट चुकी है जो इसने रात को गिफ्ट की थी। बीस साल गुजर चुके हैं यार इस वक्त को, अब 20 साल के बाद का सीन दिखाया जा रहा है कि 20 साल के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर एक सॉरी डोर नॉक हो रहा है, देखते हैं कौन है बाहर। तो ये यहाँ पर हमारी एक फ्रेंड आ चुकी है और ये हमें कुछ हाँ, ये हमें विस्की, मतलब यार मुझे तो नहीं पता क्या है, लेकिन शराब ऑफर कर रही थी, तो ये मना कर देते हैं, हम मना कर देते हैं, हम क्योंकि अच्छे बंदे हैं इसलिए मना कर देते हैं। भाई साहब ये से कुछ बातें कर रही है और हमारा जो करेक्टर है वो भी बूढ़ा हो चुका है यार। So I'll take one guess, the whole deal went south and the client made off with our pills, is that about right? Deal went off without a hitch.
Enough ration cards to last us a couple भाई of months. साहब easy. ये कोई बातें कर रही हैं और कुछ you पैसे वगैरह दिखा रही है इसको कुछ my way back here and I got jumped by बातें these two बहुत से सुनते हैं देखते right. हैं क्या कह रही है yeah, कुछ समझ ना आ जाए शायद in, हमारी Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? Well, that's funny. अबे इसको मुंह पे चोटे वगैरह भी आ चुकी हैं। They don't matter. What matters is that Robert fucking sent them. Our Robert. He knows. अभी इसको एक और बात बता दूं कि ये जो जहाँ पर रह रहे हैं ये क्वारंटीन सिटी है। यहाँ पर मतलब ये सारी सिटी बंद कर रखी है और साइड से मतलब जो है फौजी वगैरह हमारी जो सिटी की गवर्नमेंट है तो वो सारी सिक्योरिटी मतलब इन्होंने शहर को लॉक कर रखा है बिल्कुल किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और किसी को ना ही अंदर आने की इजाज़त है इसलिए हम खुफिया तरीके से सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या सीन मतलब क्या क्या हो रहा है और हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे Yeah. 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 Ye